दोस्तों, आप अगर घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से परेशान हो तो आज की रेसिपी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग मास्टर उर्मी चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं मेथी के बर्फी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आज हम मेथी दाना से लड्डू बनाएंगे और बर्फी बनाएंगे। ठंडी के मौसम में आपके अगर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो आज की रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाकर खाइएगा। इस रेसिपी को एक बार बना लीजिएगा और महीने तक खाने का मजा लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाक से करेंगे आज की रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, मेथी की बर्फी और लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। वजन में ये 50 ग्राम के करीब मैंने लिया है मेथी दाना। इसको मैंने पूरी रात भर के लिए दूध में भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो 2-3 घंटे के लिए भी दूध में भिगो के रख सकते हो। थोड़ा सा मैंने गुनगुना दूध ऐड कर लिया था। मेथी डूबने जितना ही हमें दूध लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है। अभी पूरी रात भर के लिए मैंने भिगो के रख दिया था मेथी को, तो अच्छे से भिगो के तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो मेथी को पीस के बाद में भी दूध के अंदर भिगो के रख सकते हो। तो इसका दूध मैंने वेस्ट होने नहीं दिया है, साथ में ही ऐड कर दिया है। दोस्तों, मेथी दाना को दूध के अंदर भिगो के रखने से इसकी जितनी भी कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेथी अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अब हम मिक्सर जार के अंदर ऐड करके दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। तो मेथी दाना पीस के तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रख के अच्छे से गरम कर लिया है। कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है। मैंने ऐड किया है 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पर मैंने गाय का घी ऐड किया है। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब ऐड करेंगे ज़रूरत के अनुसार मखाना। दोस्तों, मखाना ऑप्शनल है। आपको अगर नहीं ऐड करना है तो आप ना ऐड करें, पर ठंडी के मौसम में मखाना आप ज़रूर सेवन कीजिए, क्योंकि मखाना के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी है, बार बार दर्द होता है घुटनों में, जोड़ों में, तो ये मखाना आपकी हेल्थ के लिए बेहद फायदेकारक है। आप मखाना को पीस के पाउडर बना के दूध के अंदर ऐड करके भी पी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत के अनुसार मखाना को क्रिस्पी कर लिया है घी के अंदर। दोस्तों, मखाना क्रिस्पी हो चुका है, मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। अब हम ऐड करेंगे 200 ग्राम गेहूं का आटा। रोटी बनाते हैं ना, वही वाला गेहूं का आटा लेना है। आप गेहूं के आटे की जगह पर सिंगाड़ा का आटा भी ले सकते हो, मिक्स आटा भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ऑनली लिया है। गेहूँ के आटे को स्लो गैस के ऊपर हमें पकाना है। हाई गैस के ऊपर ये जल्दी जल जाता है, इसीलिए स्लो गैस के ऊपर ही पका ले। यहाँ पर ऐड करेंगे घी, 50 ग्राम के करीब ऐड करेंगे घी अभी हम। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। इस लड्डू में थोड़ा सा घी की मात्रा हम ज़्यादा ऐड करेंगे, ताकि लड्डू हमारे एकदम टेस्टी और अच्छा बन के तैयार हो जाए। अभी ठंडी के मौसम में घी जम जाता है दोस्तों, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके गेहूं के आटे में से गुठलियाँ दूर होती जा रही है। जैसे जैसे गेहूं का आटा पकता जाएगा, वैसे वैसे गुठलियाँ भी हटती जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा पकने में गेहूं के आटे को। 3 से 4 मिनट हो चुकी है पकाते हुए। 15 से 20 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। हमें स्लो गैस के ऊपर ही पकाना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए गुठलियाँ ख़त्म होने को आई है। इसका मतलब है हमारा गेहूं का आटा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। गेहूं के आटे को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट के अंदर। अब वापस हम कढ़ाई को स्लो गैस के ऊपर रखेंगे और ऐड करेंगे 50 ग्राम के करीब देसी घी। घी मेल्ट हो जाए तो हम ऐड करेंगे मेथी, जिसको हमने पीस के रखा था। यहाँ पर देखिए मेथी को हमने दरदरा पीस के रखा था ना, उसको हमें ऐड करना है घी के अंदर। और स्लो गैस के ऊपर मेथी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक पकाना है। मेथी जैसे जैसे पकती जाएगी, वैसे वैसे इसके अंदर से बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगी। कई बार कई लोगों को मेथी का फ्लेवर पसंद नहीं आता है, पर दोस्तों देखिए हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी हमें मेडिसिन लिख के देते हैं, वो खानी ही पड़ती है। तो मेडिसिन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। आप इस लड्डू को खा लीजिएगा, आपके जोड़ों में दर्द, आपकी हड्डियों में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। डिलीवरी के बाद भी अगर
ये लड्डू या बर्फी खा लेते हो मेथी वाला, तो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेकारक होता है। पहले के ज़माने में मेडिसिन बहुत कम लिया जाता था और इस तरीके का लड्डू बना के बर्फी बना के खाया जाता था, इसीलिए उन लोगों की उम्र भी ज़्यादा होती थी और उन लोगों को ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं लगती थी। आजकल ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेथी अच्छे से पक चुकी है, एकदम गोल्डन डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। तो गैस की फ्लेम को बंद करके मैंने निकाल लिया है मेथी को। अब उसी कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे गुड़। दोस्तों 200 ग्राम मैंने लिया है गेहूं का आटा, 50 ग्राम के करीब मैंने लिया है मेथी, दरदरा पीस के मैंने भून लिया है, और 150-200 ग्राम के करीब मैंने घी ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम गुड़। गुड़ की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है क्योंकि मखाना होता है ना, वो ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, तो नहीं तो फिर ड्राई हो जाएगा हमारा लड्डू या बर्फी, इसीलिए हम गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे। अब हमें गुड़ के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि गुड़ का हमें एक तार या दो तार का चाशनी तैयार नहीं करना है, नहीं तो हमारा बर्फी हो जाएगा कड़क। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब ऐड करेंगे 50 ग्राम कोकोनट पाउडर। ये कोकोनट पाउडर मैंने मार्केट से रेडी लिया है दोस्तों, आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हो। कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बर्फी तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारा मिक्स कर दिया था, मखाना को भी दरदरा कूट के ऐड कर लिया था, मेथी दाना को और गेहूं के आटे को, तीनों को मिक्स करके ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करके इसका तुरंत ही लड्डू बनाना है क्योंकि मखाना है वो जल्दी से जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए ऐड करते ही अच्छे से ड्राई होने को आया है, तो अब हम तुरंत इसका बर्फी और लड्डू तैयार करेंगे। हम बर्फी ज़्यादा बनाएंगे और लड्डू कम बनाएंगे। दोस्तों आपको अगर बर्फी अच्छी लगती हो तो बर्फी बना लीजिए, लड्डू अच्छे लगते हो तो लड्डू बना लीजिए। मिश्रण लड्डू के लिए और बर्फी के लिए तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो फटाफट हम लड्डू और बर्फी बना लेंगे। बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर एक थाली के अंदर घी लगा देंगे ताकि बर्फी नीचे चिपक ना जाए। घी अच्छे से लगा दिया है, अब हम ऐड करेंगे मेथी का बर्फी सेट करने के लिए। बर्फी को सेट करने के लिए यहाँ पर एक कटोरी ले लीजिए और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए, ज़्यादा नहीं दबाना है दोस्तों, हल्के हल्के हाथों से दबा देना है और इस तरीके से देखिए सेट कर देना है। बर्फी को ठंडा कर लेंगे और तैयार करेंगे लड्डू। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से लड्डू बनके तैयार हुए हैं दोस्तों। आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।